हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स में। एंड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। भारत में नैनो यूरिया जो उर्वरक बनाया जा रहा है उससे संबंधित, तो अभी फ़िलहाल नैनो उर्वरक जो संयंत्र है उसका दूसरा जो संयंत्र है वो स्थापित किया गया है आपका प्रयागराज में। ओके, ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो नए प्लांट नहीं बनाए जा रहे हैं, वही प्लांट हैं जो पहले यूरिया बनाई जाती थी, जो पहले यूरिया बोरी में भर के आती थी वही यूरिया है, और वहीं पे थोड़ा सा जो डिजाइन है उसको बदला जा रहा है और वहाँ पे अब नैनो यूरिया बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ड्रोन का उपयोग देखना है हमें नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए। उसके अलावा हमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो किसानों की 24,000 करोड़ रुपए हैं वो इससे बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो नैनो यूरिया है वो इस प्रकार से डब्बे में आता है और मात्र आधा लीटर आप यूज कर सकते हैं एक बोरी के जगह। जो पहले बोरी में भर के आता था 50-50 किलो, उसके जगह पे मात्र ये आधा लीटर आपका जो नैनो यूरिया है वो पानी में डाल के इस प्रकार से आप छिड़काव करके आप काम चला सकते हैं। अभी देखिए, इसको जो बनाया है वो है इफ़्को। इफ़्को भारत की एक संस्था है जो इस प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करती है, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इसको पेटेंट भी करा लिया है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि यह दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला नैनो यूरिया बनाया गया है इफ़्को के द्वारा। तो पेटेंट कराने लेने की वजह से क्या होगा कि अब कोई अन्य इसको नहीं बना सकेगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी देश को ज़रूरत है, अगर मान लीजिए अमेरिका को ही ज़रूरत है अपने किसानों के लिए, तो उसको या तो इसमें पेटेंट से वो मांग सकता है कि आप हमें भी लीज पे दीजिए कि हम भी बना सके, या फिर उसको अब इफ़्को से ख़रीदना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत सारे देश ख़रीदने के लिए डिमांड भी कर रहे हैं और अच्छे खासे देश इसको मांग भी रहे हैं, तो निर्यात में भी हम काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत के सेक्टर क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक उत्पाद है इफ़्को के द्वारा। इसके देखिए बेनिफिट भी कुछ हैं कि जैसे कि ये क्या करेगा कि एक तो लागत में कमी लाएगा, जो भी किसानों की लागत है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि पर्यावरण के एकदम अनुकूल है ये। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, मतलब सॉइल की, यानी कि जो मृदा है उसको भी ये क्षरण नहीं करता। इसके साथ ही ये जो इनकम कहा जा रहा है कि किसानों की आय दुगुनी करने वाली बात जो चल रही है उसको भी बढ़ाने में ये थोड़ा सा कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उत्पादन है, जो अगर प्रति एकड़ उत्पादन देखा जाए कि प्रति एकड़ अगर एक टन उत्पादन पहले हो रहा था तो अब उसमें हो सकता है 1.1 टन उत्पादन हो जाए, तो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा ये थोड़ा सा चीपर है, जो पहले के यूरिया आता था बोरी में भर के, आपने देखा होगा, तो उससे थोड़ा सा ये सस्ता है। ओके, अब थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लें, तो फूलपुर प्लांट जो है वो क्या करेगा कि आधा लीटर जो नैनो यूरिया है वो 75 किलोग्राम जो यूरिया है उसके बराबर की क्षमता वाला, ठीक है, नैनो यूरिया बनाएगा। यानी कि मात्र आधा लीटर का जो एक डब्बा है आप उसको खरीद ले जाके पानी में मिला दीजिए, तो उसको आने वाले समय में देखिए ड्रोन का भी यूज़ किया जाएगा इसके छिड़काव के लिए। अभी फ़िलहाल व्यक्तियों के द्वारा या तो वो एक सिस्टम आता है जो आप कंधे पे उसको रख लेते हैं, उसमें पानी भर दिया जाता है, उसमें दवा मिला दिया जाता है, उसके बाद छिड़काव किया जाता है। ये वाली फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी है ये भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। इसको इस प्रकार से पाइप से भर के लाया जाता है और छिड़काव किया जाता है। आने वाले समय में देखिए ड्रोन का उपयोग तो होना ही है, हर सेक्टर में ड्रोन का उपयोग होगा। और देखिए कृषि के क्षेत्र में तो बहुत सारे इसके अभी स्कोप हैं, तो इंडिया को देखें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंडिया, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी देखने को मिला है। नैनो यूरिया देखिए, ध्यान रखिएगा कि न केवल पर्यावरण अनुकूल है बल्कि यूरिया की तुलना में लाभदायक भी है। जहां फसल को यूरिया से 30% लाभ मिल रहा था, नैनो यूरिया से, ध्यान रखिएगा, नैनो यूरिया से 80% लाभ मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा लाभ है नैनो यूरिया के। अब यहाँ पे किसानों के लिए कहा जा रहा है कि किसान के लिए यह खाद यूरिया जो है वो सस्ता भी होगा। यानी कि पहले जो बोरी आ रही थी 45 किलो वाली वो पड़ रही थी आपकी 267 रुपीज़, वहीं आप अगर हम देखें नैनो कंपोस्ट के आधार पर
तो जो बोतल है आधा लीटर का, जो कि कारगर उतना ही काम करेगा जितना ये 45 की ग्रह यूरिया वाला बोरी आती थी, और ये पड़ेगा आपका मात्र 240 रुपये, यानी कि पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका करीब 27 रुपया यहाँ पे बच सक जाएगा। उसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि ये नैनो यूरिया जो है इससे ज़्यादा कारगर है, ओके, कारगर इससे कहीं ज़्यादा है और सस्ता भी। इसके अलावा अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो सरकार के कोष से करीब 24,000 करोड़ रुपए बचेंगे। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि कुछ तो देखिए सब्सिडी है, लेकिन उसके अलावा किसानों के भी तो पैसे जाते हैं, तो यहाँ पे किसानों की भी बचत होगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा कृषि सब्सिडी पे खर्च करती है उसमें भी बचत होगा। अब आगे ये भी कहा जा रहा है कि फसल ये यूरिया जो है वो मात्र 30% लाभ जो दे रहा था, नैनो यूरिया 80% लाभ देगा, और नैनो यूरिया की कीमत यूरिया के मुकाबले जो पहले इस प्रकार से किसान छींटते थे जाके खेत में उससे कम है। आगे कहा जा रहा है कि देखिए ये आपको तो हमने बताया कि वर्ल्ड दुनिया का ये पहला नैनो यूरिया है और इसका टैग भी दे दिया गया है इसे। फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरिया के अत्यधिक उपयोग की शिकायतें भी उसके पहले बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इससे उतनी शिकायतें नहीं आएंगी। उसके अलावा ध्यान रखिएगा जो कृषि भूमि है उसकी उर्वरता इस वाले कन्वेंशनल यूरिया से काफ़ी क्षरण हो रहा था, लेकिन इसके वजह से नहीं होगा और ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको पानी में मिला के इसको बाद में आप फसल के ऊपर फैला सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ये प्रयागराज में स्टार्ट किया गया है, ये प्रयागराज के फूलपुर में ये दूसरा नैनो फर्टिलाइज़र बनाया जा रहा है। इसके पहले जो पहला नैनो इकाई जो नैनो उर्वरक इकाई था वो था आपका कलोल गुजरात में। ध्यान रखिएगा कलोल जो गुजरात में स्थापित किया गया है नैनो उर्वरक फर्टिलाइज़र, वो ध्यान रखिएगा कि 1974 में बना हुआ था पहले से ही एक यूरिया फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही यूरिया अमोनिया का उत्पादन हो रहा था, वहीं से अब ये प्रोडक्शन शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई नया प्लांट चालू किया गया है, ओके। और ये जो प्रयागराज वाला प्लांट है वो नवंबर से कार्य करना प्रारंभ करेगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आंवला बरेली में भी एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है दूसरे चरण में। फूलपुर वाला भी इसी चरण दूसरे चरण का ही पार्ट था। तो अब जब ये ध्यान रखिएगा फूलपुर वाला जो होगा वो करीब 7 करोड़, जबकि आंवला का जो प्लांट होगा वो 11 करोड़ बोतल प्रति वर्ष बनाएंगे। ध्यान रखिएगा प्रति वर्ष, ओके। और अगर तीनों की बात कर लें तो अगर तीनों मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इफको की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर ये तीनों संयंत्रों को जोड़ लिया जाए, यानी कि कलोल आंवला बरेली में जो अभी फिलहाल चल रहा है जहाँ पे अभी काम, ओके, और उसके अलावा ये जो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रयागराज वाला, तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो करीब 32 करोड़, ध्यान रखिएगा 32 करोड़ बोतल बनाए जाएंगे हर साल नैनो यूरिया के। अब इसके माध्यम से होगा क्या, यहाँ पे फूलपुर वाले से कहा जा रहा है कि नवंबर से मार्च के बीच आने वाले नवंबर यानी कि इसी 2022 नवंबर से 2023 ध्यान रखिएगा 2023 मार्च के बीच करीब 70 लाख बोतल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, ओके। और टोटल उसके बाद ये हो जाएगा कि 13.7 करोड़ मीट्रिक टन सब्सिडी वाले यूरिया की जगह ले लेगा ये जो 32 करोड़ नैनो बोतल बनाए जाएंगे, ठीक है, नैनो यूरिया के। सो बहुत ही ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा एक काम है, नैनो यूरिया के बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको हमने डिस्कस किया। तो आने वाले समय में इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप आई होप कि आंसर दे पाएंगे। इसके खासकर आपको बेनिफिट याद रखने हैं, अगर आप UPSC के एग्ज़ाम देख रहे हैं तो ये जो बेनिफिट्स हैं इनको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न यहीं से पूछता है UPSC, ओके। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।